हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। एंड आई होप कि आप सभी ठीक हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, ये वीडियो होने वाली है अपनी NS160 BS6 पर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम इसका माइलेज चेक करने वाले हैं और ये मॉडल है 2016 का। तो फ्रेंड्स, इसका अपन माइलेज चेक करने वाले क्योंकि 160 NS काफ़ी डिमांडेबल चल रही है और मुझे कुछ बजाज से इससे कुछ मिला नहीं है अभी फिलहाल। फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं अभी इसमें पेट्रोल है, तो अभी हम इसका पेट्रोल ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए हम गाड़ी चलाए जा रहे हैं। और जैसे इसका पेट्रोल ख़त्म होगा, हमारे बॉटल में हमारे पास 1 लीटर की एक बॉटल रखी है, उसमें 1 लीटर हमने पेट्रोल डलवाया है, वो पेट्रोल हम डाल के फिर इसका माइलेज चेक करेंगे। मैं यहाँ पर आपको मीटर भी मीटर दिखा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी 1 लीटर में कितनी चली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है, तो इसलिए मैं आज इसका माइलेज चेक करवाता हूँ। इसके बाद जो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो RS के माइलेज पर आने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, RS का भी हम एक बार चेक कर लेते हो, क्योंकि RS भी बजाज की जो गाड़ी है वो काफी ज्यादा डिमांड पे चल रही है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल चुके हैं और अभी हमारी गाड़ी में पेट्रोल है, तो अभी हम इसको चलाए जा रहे हैं और जैसे ही ये पेट्रोल खत्म होगा उसके बाद हम पेट्रोल डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आप बताइए और सब बढ़िया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आए, जैसा आपको लगता है कि अगर ये माइलेज सही नहीं है या गलत बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैंने 1 लीटर ही पेट्रोल लिया है और हम उसी के बेस पे चेक करेंगे। तो फिलहाल तो अभी हमारी गाड़ी चल रही है, तो अभी मैं इसको चलाते जा रहा हूँ और जैसे ही इसका फ्यूल खत्म होता है उसके बाद हम फ्यूल डालते हैं एंड रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल रहे हैं लाइव व्यू के लिए, जो कि मेरे पीछे जो मेरा दोस्त बैठा है मिश्रा, उसने कहा कि भाई जब पेट्रोल जलाने ही है तो फिर घूम ही लेते ना, फालतू का पेट्रोल जलाने से कोई मतलब तो है नहीं। मैंने हाँ भाई, ये भी सही है। तो बस हम निकल गए हैं और बस घूमते घूमते कहीं ना कहीं पहुंच ही आएंगे यार। तो पहले इसका फिर और आपको भी वहाँ का माहौल दिखाएंगे लेक व्यू का, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी मज़ेदार भी होता है, हरा भरा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तो फिलहाल चला रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी जैसा कि आप देख सकते हैं बुगबुगा रही है, तो लगता है ख़त्म भी है। तो बस अब इसको टोटल ख़त्म करते, तो देख सकते हैं फाइनली इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है और अब बस साइड में लगाते हैं हम गाड़ी एंड देन उसके बाद करते हैं इसको टेस्ट। तो देख सकते हैं अगर पेट्रोल बंद ही हो गया टोटली। तो देख सकते हैं, मीटर भी चेक कर लीजिए अगर आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा हो। तो मैं इसकी एक फोटो और क्लिक कर लेता हूँ, जिससे आपको बाद में दिखा सकूं कि हाँ हमने गाड़ी इतने पे ही स्टार्ट की थी। क्योंकि फ्रेंड्स, ये कोई फर्जी वीडियो नहीं होने वाली है, क्योंकि हम इसका लाइव टेस्ट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं कि कितने किलोमीटर चली है एंड आपको थोड़ा टैंक भी दिखा देता हूँ मैं, हालांकि दिखेगा नहीं बट ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये हमारी 1 लीटर की बॉटल जो कि आप देख सकते हैं एंड इसको अब हम डालेंगे एंड उसके बाद हम इसका माइलेज टेस्ट करेंगे। भाई बहुत महंगा यार पेट्रोल, कितना नीचे है भाई। तो एंड इसके बाद हम माइलेज चेक कर लेंगे इसका। अभी भी चालू नहीं हो रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, 27 किलोमीटर अभी हो रहा है एंड उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि कितनी हमारी गाड़ी चल रही है और फिर उसके हिसाब से आपको भी माइलेज पता चल जाएगा और मुझे भी चल जाएगा। गाड़ी चालू नहीं हो रही भाई, भाई पेट्रोल तो डाला ना। चालू हो गया, चलो हो गई फाइनली एंड अब हम लोग निकल रहे हैं लेक व्यू के लिए एंड देन फिर उसके बाद चेक करते हैं। अभी फ्रेंड्स 27 किलोमीटर पे है हमारा मीटर एंड 27 से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारी गाड़ी कितनी चली है। तो चलिए अभी तो चलते हैं सीधा लेक व्यू एंड देन देखते हैं। तो
चलिए अभी तो प्लान हमको माइलेज भी चेक करना है फिर, और वैसे घूमने के प्लान से हम लोग नहीं जा रहे हैं, बस एक माइलेज चेक करने के हिसाब से हम लोग निकले, तो हम वही करेंगे। एंड देखिएगा वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप बताइएगा, क्योंकि इसके बाद जो क्योंकि मैं वीडियो ला रहा हूँ RS 200 पे, उसका माइलेज जो चेक करने वाला है वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो अच्छी हुई, अगर आपके लाइक और व्यूज अच्छे आए तभी मैं कर पाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, वरना मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा भाई लोग। तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए आप ब्लॉग एंजॉय करिए। भाई लोग देख रहे हो आप ये पब्लिक कैसे बीच में आ रही है, आंटी को पता नहीं क्या हो गया, मेन रोड पे इतनी स्पीड में गाड़ियां चल रही है, उसके बाद भी रोड क्रॉस कर रही है बिना हाथ धोए। तो फ्रेंड्स ऐसी होते हैं एक्सीडेंट, जो कि हमारे हाईवे भोपाल हाईवे पे तो बहुत ज्यादा ही होते हैं। और अब क्या बोले, अब जो होना रहता है वो तो होगा है, अब चलिए देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं 3 किलोमीटर्स दूर, जी हाँ फ्रेंड्स अभी सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, एंड अब चल रहे हैं, जैसा भी होता है जितना भी टाइम अभी लगता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट हाँ इंटरेस्टेड होगी, एंड कुछ अगर लोकेशन या व्यू या कुछ होता है तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, काफ़ी अच्छी बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अभी तो फिलहाल हम लोग ट्रैफिक में हैं और यहीं पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो अभी इसको देखते हैं यहाँ पर जैसा भी होता है। फिलहाल बहुत हार्ड भाई, आप लोगों ने देखा एक भैया की गाड़ी का टायर फट गया है, जो कि एक लोडिंग ऑटो है, और फटा ऐसा जैसे सुतली बम फटी है ना, सड़क पे पूरा छेद टाइप में कर दिया। भैया टायर फट गया आपकी गाड़ी का, तो साइड लगा लो और क्या ये देखिए 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 किस तरीके से रोड क्रॉस हो रहा है भाई, कोई ना। चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए लगभग 8 किलोमीटर दूर, और लाइक भी हम पची होने वाले हैं क्योंकि हमारे घर से है 12 मीटर दूर, यानी हमें 4 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। तो फिलहाल तो अभी लगभग पास में आ गए, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर और दूर है, बट अभी हमारी जो गाड़ी चली वो 8 किलोमीटर टोटल 8 किलोमीटर हुआ है, एंड अब देखते हैं अभी कितना चलती है और क्या एड्रेस देती है हमारी गाड़ी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो माइलेज को मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मेरी गाड़ी अभी मतलब 2 ईयर हो चुकी है, एंड मुझे टेस्ट करना था मेरी गाड़ी का माइलेज, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैं कहीं निकला हूँ और गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ है, एंड मैंने भी दोस्तों को बुलाया एंड उनकी हेल्प ली है, तो मुझे चेक जरूर करना था। एंड आप लोगों की भी मैं बहुत बार लोगों से सुना है कि हाँ 160 NS जो DS6 है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमांड में चल रही है, तो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिन्हें अभी 160 DS6 के बारे में कुछ भी नहीं पता है, एंड उनको इसकी डिटेल भी मैं दे दूंगा अच्छी तरीके से, और आप डिस्क्रिप्शन में भी अच्छी तरीके से आपको हर एक चीज़ समझा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी तो फिलहाल लाइक व्यू के लिए पहुँचने वाले, तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, एंड पुलिस ही पुलिस है, अभी ठुकते ठुकते बच गया बहुत मार। तो भाई हम लोग आ गए लाइक ये भाई, बहुत मैं तो बहुत टाइम बाद आ रहा था, यानी अभी तो काफ़ी टाइम हो गया भाई लॉकडाउन के बाद, अब आ रहे हैं ना भाई, तो तुम तो घूमते रहते हो ना यार। ये है श्री दादाजी धुनी वाले, इनका खंडवा में एक बहुत बड़ा मंदिर भी है, जो कि मैं खंडवा जा चुका हूँ और वो मंदिर घूम के आ चुका हूँ, तो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, और
मैं आ चुका हूँ घूम के, तो मुझे पता है कि हाँ वहाँ कैसा है। और अब आप देख सकते हैं हमारा लेक व्यू का नज़ारा जो कि काफी अच्छा होने वाला है। आप यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है लेक व्यू, सिटी ऑफ द लेक व्यू। काफी अच्छा लगता है फ्रेंड्स, यहाँ पर नाइट में आने में काफी मजा आता है। ये नाइट में जो ये लाइटिंग वाइटिंग स्टार्ट होती है ना, उस टाइम काफी ज्यादा प्यारा नजारा होता है। एंड अभी मैं यहाँ पर रुक के भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि रुकने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि लेक व्यू क्या है क्या नहीं है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग कहीं चलते गाड़ी भी जगह लगाते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम फाइनली आ गए हैं लेक व्यू, और अब यहाँ पर थोड़ी देर हम एंजॉय करेंगे एंड टाइम पास करेंगे और माहौल देखेंगे। माहौल मतलब तो भाई लोग समझ ही रहे हो, जो ज़्यादा समझदार है, बाकियों के लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो समझदार है वो तो माहौल का मतलब समझते ही है। और बाकी लड़के लोग होते भाई बहुत समझदार। अरे भाई बहुत आइट देख रहे हो भाई, मतलब अलग ही, मतलब मज़ा ही आ गया यार। और अभी होगी ये 37 किलोमीटर, यानी फ्रेंड्स हमने 23 पे स्टार्ट किया था ना, 23 पे गया था शायद, नहीं 27 पे गया था, यानी 10 किलोमीटर टोटल अभी चली हो गाड़ी। आके हम फोटो देख के हम लोग ये देख लेंगे कि हाँ कितने किलोमीटर पे स्टार्ट की थी, बट ठीक है। अब यहाँ से निकल गए हम लोग और अभी फिलहाल लास्ट तक चलते, क्योंकि लास्ट तक काफ़ी ज़्यादा माहौल होता है एंड उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स अभी जैसे कि लेक व्यू का ये वाला जो नज़ारा है ये भी काफ़ी अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि गाड़ी का माइलेज जो चेक करने की बारी आई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते 67 हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स 67, यानी कि हमारी गाड़ी सिर्फ अभी चली है 14 किलोमीटर। जी हाँ फ्रेंड्स 14 किलोमीटर चली है, और बस 14 ही किलोमीटर चली है 1 लीटर में। और अब झटके गाड़ी लेने लग गई है, तो बस अभी इसका फ्यूल ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं हम लोग, और होने वाला है क्योंकि समझ में आ गया है। तो चलिए थोड़ा सा और आप ब्लॉग इन्जॉय करिए और देखते हैं हम इसको करते हैं। फ्रेंड्स 14 का एवरेज दे रही है, मतलब काफ़ी कम एवरेज है, क्योंकि 160 यानी फ्रेंड्स क्योंकि मेरी एक फ्रेंड की 200 NS है, वो 40-45 के लगभग एवरेज देती है, तो और ये 14 का एवरेज दे रही है, तो बहुत ही ज़्यादा कम एवरेज दे रही है। और अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कहीं फ्यूल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम फ्यूल डालते हैं एंड उसके बाद हम घर चले आएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर गाड़ी झटके ले रही है एंड अब नहीं लगता मुश्किल है कि अब गाड़ी चल पाएगी। और ये हो गई 68 किलोमीटर, जो कि 41 का एवरेज, एंड 1-2 किलोमीटर और चल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें हमको समझ में आ जाएगा कि 42 का एवरेज दे रही है। देख लीजिए आप पूरी तरीके से झटके ले रही है गाड़ी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं खत्म। और आपको एक चीज और बता दूं, NS 160 में जहां पेट्रोल खत्म होता है वहां दोबारा गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने ये चीज बहुत बार ट्राई कर ली है कि जी जहां जहां गाड़ी मेरी मतलब फ्यूल खत्म हुआ है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 68 किलोमीटर चली है। तो हम एक पिक्चर भी ले लेते हैं जिससे आपको डिस्प्ले पे दिख जाए आसानी से। तो चलिए मैं ले लेता हूँ उसकी एक पिक्चर, और आप ये ऊपर साइड में डिस्प्ले पे देख सकते हैं जो कि 68 किलोमीटर चली है, यानी फ्रेंड्स 42 का एवरेज दे रही है गाड़ी। चलिए अच्छा एवरेज है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब हमें घर जाना होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और NS परचेज करना है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो पे बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। टाटा बाय बाय।